व्हाट्स अप गाइस, दिस इज माहिर एंड यू आर वाचिंग घुमक्कड़ बॉय। दोस्तों, हमारे भारत को प्राचीन काल की चीज़ों की वजह से जाना जाता है, चाहे वो प्राचीन स्थान हो या फिर प्राचीन काल की वस्तुएं हो या फिर प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं हो। ऐसी ही परंपरा हमारे प्राचीन काल से कई जगहों पर निभाई जाती है। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा गाँव फालेर के अंदर निभाई जाती है। वहाँ पर होली से एक दिन पहले वहाँ पर होली दहन होता है। उस होली के अंदर यानी कि जलती हुई होली के अंदर से वहाँ के पंडित जी होकर गुजरते हैं। दोस्तों, वो नज़ारा बेहद ही अद्भुत और देखने लायक होता है, और आज मैं आपको इस वीडियो में वही नज़ारा दिखाने वाला हूँ। मगर उससे पहले जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें, ताकि आप वहाँ पर कभी जाओ तो आपको वहाँ के लिए पहुँचने के लिए थोड़ी आसानी हो सके। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, गांव फालेन दिल्ली से करीबन 123 किलोमीटर और वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर है, और कोसी से गांव के अंदर तक पहुंचने में 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। गांव फालेन में आपको ऑटो टैक्सी शेरगढ़ रोड पर सिनेमा हॉल के यहां से मिलेंगे, जिसमें ऑटो वाले आपसे पर्सनली 100 से 150 रुपए और शेयरिंग में 10 रुपए चार्ज करेंगे, जिसके लिए आपको कोसी हाईवे से करीबन 1 किलोमीटर अंदर की ओर आना होगा। दोस्तों, जब आप कोसी कलन से गांव फालेन की ओर जाते हो तो आपको गांव खलियान के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, गांव फालेन में होली से एक दिन पहले होली का दहन होता है, जिसमें यहां पर इवनिंग में 4 बजे रंगों की होली का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और उस सेलिब्रेशन में यहां के आसपास के 25 गांव के लोग ढोल नगाड़े के साथ यहां पर आकर पहलाल मंदिर पर एकत्रित होकर होली सेलिब्रेशन करते हैं। दोस्तों, अगर आपने वेब ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रात 4:30 बजे होली का दहन होता है, जिसमें यहाँ के प्रहलाद मंदिर के पंडित जी उस जलती हुई होली में से होकर निकलते हैं। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि आप यहाँ पर पूरी रात कहाँ स्टे करोगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको खाने पीने और रहने सोने की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर आप किसी के भी घर स्टे कर सकते हो। यहाँ पर बाहर से आए हुए सभी व्यक्तियों का सम्मान पूर्वक वेलकम किया जाता है। यहाँ पर लोग खुद आपको अपने घर में रुकने के लिए कहेंगे। मैं खुद यहाँ पर मंदिर के पास भगवान साईं जी के घर में रुका था, और उनके पूरे परिवार के साथ उठा बैठा, साथ में होली खेली और उनके परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। दोस्तों, यहाँ पर मुझ जैसे कई लोग आए हुए थे, जिन्हें सभी को उन्होंने खाना बनाकर खाना खिलाया, सोने के लिए बिस्तर और जगह दी। दोस्तों, यही बात इस गांव को और शर्मा जी के इस परिवार को खास बनाती है, और मुझे इस परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुशी हुई। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप यहाँ पर पूरी रात स्टे कर सकते हो। दोस्तों, गांव फालेन का यह मानना है कि यह गांव दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का है। यहां पर कई सालों पहले एक संत ने तपस्या की थी। उस समय इस गांव के पंडा परिवार के एक सदस्य को रात में सपना आया कि एक पेड़ के नीचे प्रहलाद जी की मूर्ति तभी हुई है। उसके इस सपने के बाद सुबह गांव के सभी पंडा परिवार के साथ सभी सदस्यों ने उस संत के मार्गदर्शन से इस गांव में खुदाई करना स्टार्ट की, और इस खुदाई में भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की मूर्ति निकली। तब उस संत ने पूरे पंडा परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि हर साल होली पर इस परिवार का कोई भी सदस्य पूरी ईमानदारी से भक्ति करेगा, उस पर भक्त प्रहलाद जी की कृपा होगी और वह जलती हुई होली से निकल सकेगा और उसका आग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, यह है प्रहलाद कुंड, और कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर आते हो और आपकी कोई भी तमन्ना होती है तो वह यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। और यह है गांव फालेन का प्रहलाद मंदिर, और यह है वह विशाल होली जो 8 से 10 फुट ऊंची और 20 से 25 फुट चौड़ी है, जो आज रात यहाँ पर जलाई जाएगी। और यह है प्रहलाद मंदिर के पंडित जी, जिनको मोनू पंडा के नाम से जाना जाता है। यही है वो शख्स जो आज जलती हुई होली में से होकर निकलेंगे। इन्हीं का है वो एक परिवार जो कई सालों से इस परंपरा को निभाते हुए आ रहा है, और इन्हीं के परिवार में से पंचायत सेलेक्ट करती है कि इस बार कौन जलती हुई होली में से निकलेगा, और इस बार ग्राम पंचायत के प्रेम सुख कौशिक जी ने मोनू पंडित जी को सेलेक्ट किया है। हालांकि मोनू जी के पिताजी इस जलती हुई होली से अब तक 10 बार होकर निकल चुके हैं। इस होली की महीनों पहले से तैयारी चालू हो जाती है। जिस पंडा को होली में से होकर निकलना होता है, वह एक महीने पहले से ही यहाँ के सभी परंपराओं को करना चालू कर देता है। सबसे पहले वह गांव के लोगों के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करता है और अपने परिवार को छोड़कर मंदिर में रहने लगता है, और एक महीने तक उपवास यानी पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक उपवास रखता है और मंदिर में मंत्र जाप करता है। और इस जलती होली में से निकलने से पहले पंडा 3 दिनों तक सो भी नहीं पाता, और ऐसी कठोर स्थिति में वह इस परंपरा को निभाता है।
दोस्तों मुहूर्त के हिसाब से पंडा की बुआ जी प्रहलाद कुंड से एक लोटा पानी लाकर जलती हुई इस होली में डालती है, जिससे कि वह अग्निशांत हो जाती है। और उसके बाद पंडा प्रहलाद कुंड में नहाकर एक गमछा और माला लेकर भक्त प्रहलाद का जाप करते हुए इस जलती हुई होली से होकर निकल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस भभकती होली के पास भी लोग सही से खड़े नहीं हो पाते। उस होली में से यह पंडा निकलने के बाद भी पंडित जी का शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है। दोस्तों इस अद्भुत समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक कि फॉरनर्स भी इस परंपरा को देखने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। तो चलिए दोस्तों लोग यहाँ पर भारी तादाद में इकट्ठा हो चुके हैं और 4:30 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ पर लोग 3 बजे से ही अपनी अपनी जगह घेरना शुरू कर देते हैं। आप भी टाइमिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं यह अद्भुत नजारा। कि दोस्तों आपको यह वीडियो देखकर हमारे भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में जानने को मिला होगा और आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप अगली बार इस समारोह का हिस्सा जरूर बनिएगा। अगर दोस्तों यहां के बारे में आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए टूरिस्टों की रिस्पेक्ट कीजिए, टूरिस्ट प्लेस पे गंदगी ना फैलाइए। मिलते हैं आपसे न्यू प्लेस के साथ। बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।